हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं मील मेकर यानी कि सोया चंक्स की सब्ज़ी। तो सबसे पहले आपको पानी गर्म करना है, उबालना है उसे और उसमें सोया चंक्स डालना है और इसे तब तक पकाना है जब तक सोया चंक्स अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो अब मसाला बनाने के लिए आपको मिक्सी जार में लेना है थोड़ा सा धनिया के सीड्स, थोड़ा सा दालचीनी, थोड़ा सा लौंग, थोड़े से ड्राइड कोकोनट और थोड़ा सा पीनट्स। तो पानी डाल के इसे अच्छे से ब्लेंड कर दे, देखिए बिल्कुल इस तरह, और इसे साइड रख ले। अब पैन को गर्म करेंगे, डालेंगे तेल और इसमें कुक्ड सोया चंक्स को डालेंगे और इसे कुक करेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए और इसे निकाल देंगे। तो सेम पैन को फिर हम यूज़ करेंगे, इसे फिर से गर्म कर लेंगे, डालेंगे थोड़ा सा तेल, डालेंगे इसमें थोड़ा सा दालचीनी, लौंग और तेज पत्ता। 2 से 3 सेकंड के लिए इसे सॉटे करेंगे एंड देन यूज़ करेंगे ऑनियन चॉप्ड। ऑनियंस को तब तक कुक करेंगे जब तक कि ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। जैसे ही ट्रांसलूसेंट हो जाएगा आपको डालना है इसमें करी लीव्स और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके साथ साथ आप यूज़ करेंगे सॉल्ट, हल्दी पाउडर एंड रेड चिली पाउडर और इसे भी अच्छे से कुक करेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह, जब ना ये एकदम ब्राउनिश हो जाएगा तब आपको यूज़ करना है टमाटो चॉप्ड और उसे भी कुक करना है जब तक वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। जब टमाटो सॉफ्ट हो जाएंगे आपको वो मसाला जो हमने प्रिपेयर किया था ना वो यूज़ करना है और इसे करीबन 5 से 8 मिनट के लिए आपको पकाना होगा जब हमारा मसाला थिक हो जाएगा। जैसे ही मसाला थिक हो जाएगा और थोड़ा सा बॉईल होना शुरू हो जाएगा आपको डालना है इसमें कुक्ड किए हुए सोया और इसे भी कुक करना है जब तक वो बॉईल नहीं हो जाता। 5 मिनट बाद आपको इसमें कोरिएंडर लीव्स डालने हैं, सर्व करना है, गरम गरम एंजॉय करना है और कुछ नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ना।